सो हे गाइज, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आप सभी का वेलकम है शहजाद फैमिली ब्लॉग में। सो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो। अगर आप लोग की दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी अच्छे हैं। सो हमारी मॉर्निंग वगैरह हो चुकी है, अभी दोपहर के बज रहे हैं, 3 बजने वाला है। सो मैं पानी वगैरह भर ली, पानी वगैरह भर के नहा के भी फ्रेश हो चुकी हूँ। बस अभी वेट कर रही हूँ, आज हमारे घर पर आ रहे हैं कुछ मेहमान। सो अभी तक तो आप लोगों ने थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे, डिस्क्रिप्शन भी पढ़ ही ली होगे, बट ठीक है, जब वो आएंगे तो मैं सीधा आप लोगों को तब उनसे मिलाती हूँ। एंड पानी वगैरह भर के भी हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह खाना भी हो चुका है। तो अभी अगर सब मेरे को ऊपर चढ़ रहे, ला पकड़ लो, हमारा जस्ट अभी पानी हुआ है। अम्मी तबीयत अच्छी लग रही है, अब अम्मी की तबीयत पहले से अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, कल तो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। लाओ ले लूँ ये मोटर बड़ी वजन है पता है, हाथ दर्द होने लग जाता है। तो चले फिर वेट कर रहे हम लोग हमारे गेस्ट का, हम लोग बस आते ही हो गए, फोन तो कब से आ चुका था। क्या बोलते अम्मी? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग? तो वेलकम हो गया सैयद फैमिली ब्लॉग में। हाँ, पसीना हो गया, चढ़ी ना तो सांस को नहीं लग गई मेरी। हाँ, मोटर लगे ना, क्योंकि कैसा है ना, हम लोगों को ना पानी भरने के लिए ना 2 जन लगता ही है। अगर एक नीचे मोटर लगा के खड़ा है तो दूसरा ऊपर पानी भरने के लिए। तो अम्मी, क्योंकि जो पानी का प्रेशर रहता है ना वो बहुत फास्ट रहता है, तो उस वजह से ना पाइप निकल जाता है। तो इसलिए अम्मी नीचे खड़े रहते हैं मोटर लगा के, और मैं फटाफट पूरा ऊपर का पानी भरती हूँ, या टेरिस पे का जब खाली होता है तब टेरिस पे का पानी भरती है ना अम्मी। तो अभी आ रहे कुछ मेहमान अपने इधर, है ना, तो वही तैयारी वैयारी, बस चिकन हमने कल लेकर आए थे, मैं जुगली से दवा खाना गई थी तो लेकर आई थी। हाँ, इसलिए लेकर आ गए थे ना पूनम में, क्योंकि हमारे दुकान है बहुत लंबे लंबे और मेरे पास की ताकत नहीं कि हाँ। मैं जाओ लेकर आऊँ, कि मेरी तबीयत ऐसी खराब है, उसके बुखार मेरे को ना एकदम कमजोरी जैसी कमजोरी हो गई है एकदम ज्यादा, तो खाना भी कड़ू कड़ू लग रहा, खा रही ना तो खाना भी कड़ू लग रहा। हाँ, वो कैसे अम्मी को ना हड्डी के अंदर बुखार है इस वजह से। सो अम्मी ने ये चिकन हम लोगों ने ना कल ला के फ्रीजर में रखे थे, तो पूरा बर्फ बन चुका है, इसलिए अम्मी ने कब से इसको निकाले, बोले निकाल के रख दे, तो मैंने पानी डाल के रखी हूँ। सो चले, बस मैं वेट ही कर रही हूँ कि कब वो लोग आए एंड मैं आप लोगों को उनसे मिलाऊँ। सो चले, जब उन लोग आते हैं तब मिलते हैं सीधा आप लोगों से। गाइस, फाइनली हमारे घर पे आ चुके हैं ये वाले मेहमान, मैं इनकी बात कर रही थी, और साथ में भाई भाभी, ये भाई हमको थी बहुत भाई थी हमारे साथ। फिर भी कितना लेट हो गया मम्मा, क्या हुआ? इनके टीवी देख के खुश हो रहा है क्या? भाई बहुत ज़्यादा। अबू जिया इधर बॉल लेके गया ना तू? बॉल दिया ना, एक बॉल दी ना मैंने अभी, थोड़ा बोल दो ना तो बोल दिया। मम्मा इधर ला बोरा, बोल दो ना, तुम्हें बोल दिया, बोल था वो है छुपा। मम्मा इधर आओ, इधर आओ, अरे बाप रे, अल्लाह आज नहीं आ रहा, आओ आओ। अच्छी मुन्नी, मम्मा देखो इधर कैमरे में देखो, हाय करो, अरे बाप रे, मेरे चश्मा, अरे मेरे चश्मा देख पूरा उल्टा नहीं पहचान रहा है, बहुत बात टाइम के बाद देखा ना, 5-10 मिनट आते साथ ही वो टीवी को देख के, टीवी चालू ना तो ऐसे खुश हो गया, पूछ मत। हाँ कहा मम्मा, अम्मी सामान उठा लो, आ गया तोड़ फोड़ करने के लिए, तोड़ेगा अब सब निकालेगा, ये पूरा बर्तन ना निकाल दे, चिल्ला दे, चिल्ला दे, बड़ा तोड़ूगा ना, बोल, फेंक दे, फेंक फेंक, मार मार मार, तेरी माँ को मार मार मार, इसको लगा है क्या ये? मार 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 मार, अभी देख रहा है मैरी को पहचान रहा है, कौन है बोले? तेरा नाम तू मेरी सोटक का नहीं। ए मम्मा ना इधर, ए महार, ए महार, और भाई ने भाभी को दे दिया अच्छे से एकदम, आज आते आते ये पछाड़ रही थी, मैं पीछे से उसको चुमटी लिया तो उसको सीढ़ी लग गई बहुत तेज, है ना? हाँ। भाभी गुस्से में देख रहे, बोले अभी जाने तो कुछ नहीं, घर पे जाके बताती हूँ। भाभी बस जोर से लग गया भाभी को, मार रहा है, नहीं ना मम्मा मत मारो, मम्मी है ना, मम्मी है ना, ऐसे कर सड़ेले, ए सड़ेले, मैरी आ गई, मुझे पता था उसके लिए आई है ना। भाई भाई ये कहीं नहीं छोड़ रहा किसी, फ्लैश चला के क्यों बना दी रे वीडियो? हाँ तो फ्लैश से अच्छा दिख रहा है, बोले मैं दिखूंगी तो फ्लैश से ही बनाते हैं। मैं दी बाथरूम में हुई, बाथरूम में कर रहा था अब तेरे, हाँ फ्लैश चला के इसे बना रही, बोले मैं बिना फ्लैश को दिखूंगी तो फिर के दिखते नहीं है ना, तो सही बात है, अब घर में अपने उतनी लाइटिंग नहीं है ना, तो अरे इससे अच्छा ये हथौड़े से अच्छा ये लंबी वाली लगे लगा, एक ही लंबी वाली ना,
क्या बताया उजाला नहीं लगता है, बस वो ला रहा है उजाला आया ये तेरी माँ का सलाम मारो बंदे का जटर लो ले मार दिल माँ मार मार नैला मार मार देला मार इधरा मैरी को मार मैरी को मैरी को मैरी को मैरी को मैरी को तू मेरी है मार मार नहीं मार मेरा है मार मेरा है बोल मैरी बिस्किट बोल मैं तो भाई लेकिन दो दिन से शबनम आपा की इतनी मजे ले रहा है ना आगे सुन देख रही ना तू हम लोग इतना वो जो लास्ट का था ना वो क्रीम वाला था जो वाला क्या बोल दिखा अरे तू भी तो मंगाई थी ना नहीं लेकिन मैं एक से दो बार मंगाई बट टाइम हो गया पर इसकी स्किन मजबूत है जो टूटेगा नहीं नहीं लेकिन मैं पहले मंगा दी थी अब नहीं मंगा रही मैं पहले मंगा दी थी अब नहीं सुने क्या भाभी है तुम है तुम इधर आओ महफिल में आओ भाई वो वीडियो देखी क्रीम वाला लास्ट में चश्मा टूट जाएगा चश्मा रख दो चश्मा बोल रहा हंस हंस के निकल जाएगा अच्छा लग रहा है इतना मजा आया तू भी तो मंगा दी देखे देखे गाइस गाइस जाने दो पर बोले ना बेबी कॉल का जोड़ मजबूत है छूटेगा नहीं भाभी बोलो ना भाभी कुछ नहीं बोलते हंसते रहते बस चालू हो गए अच्छा लग रहा है तो मैं मतलब हम लोग मंगाए थे ना डार्क सर्कल के लिए अम्मी ने मंगाए थे एक से दो बार ही मंगाए थे उसके बाद नहीं नंबर का चश्मा है रे बहन हाँ उनको सेक सेक लो हल्का सा हाँ आइस रोलर अरे साफ पानी है भाई अच्छा लग रहा है दूर का ब्लर दिखता है तुझे कुछ हाँ तो चश्मा ही है मुझे भी तो दूर का है ना ये अटेंशन नहीं दे रहा है हमको महार देखो देख नहीं रहा मधु इधर देख अटेंशन ही नहीं दे रहा है पहले इस मेरी मांडी पे फिट हो जाता था मेरी मांडी छोटी हो गई है तो आप बोलते हैं वो बड़ा हो गया कपड़े छोटे हो गए हाँ कपड़े जितने टीवी चालू है ना तो टीवी में मगन है महार ए मज्जू अब मेरे गोद में बराबर नहीं हो रहा मेरी मांडी छोटी सी हो गई मतलब मज्जू बड़ा हो जाए है ना मम्मा नहीं देख रहा बिजी है गाइस बिजी है चलो थोड़ा खेलते हैं इसके साथ इसको शटौटे अभी है ना मम्मा है ना देख 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 रहा है देख रहा ही नहीं बोले तू बोलते जा मैं इग्नोर करता हूँ बोले तू बोलते जा मैं यहाँ से सुन के यहाँ से पिटता हूँ मम्मा कॉफी गिर जाएगा तो यहाँ पर हम सब बैठे हैं कॉफी पीते हुए और हम लोग ने कितनी सारी फोटो ली है ना बहुत मस्त वीडियो भी बनाया वीडियो भी बनाया भी और बना ही रहे है, मैं चुपचाप बैठती हूँ हाँ क्योंकि मैं आप लोगों को पता है मैं रील्स बनाती हूँ मैं पहले मैं रील्स बनाती हूँ पर मैं लिपसिंग नहीं करती बाकी एक्टिंग पहले से ही है बाकी आप लोगों को पता है मेरा क्या है हाँ तभी फोटोज में ज्यादा शौक है रील्स अब ज्यादा करती हूँ मैं दोनों करती मतलब शाय हो जाती हूँ कैमरे के सामने और वो वहाँ पे अपना टीवी में बिजी है भाई गया है मैच खेलने सुहान लोग के साथ बाहर चला गया सोनी की अंगूठी वहाँ पे भाभी भी बैठे नकली सोनी यहाँ पर खाना बनाने की तैयारी चालू क्या बना रहे अम्मी पुलाव पुलाव तुम तो बोले थे चिकन का सालन बताए थे पुलाव बना रहे ठीक है महाज बेबी अमुगे देखो उसको यहाँ पे मायरा बैठी है अरे इधर किसी खुशी मम्मी चुम्मी दो ना में नहीं अभी मस्ती मस्ती में लगा हुआ है अल्लो देखी ये देखी उठ जा चलो बनाना स्टार्ट फिर तो 7 बज चुका है ऑलरेडी बनाते बनाते टाइम हो जाएगा ना मम्मी फटक से बच जाएगा अदरक लहसुन पिसा हुआ सब पिसा हुआ मसाला बन जाएगा अच्छा गया मुझे खिला देखो देगा नहीं मधु एक खिलाओ मधु महा खिला देखे देख दाल भरी मुँह में मुंह तक लाया ले लिया शाने चुनी मुन्नी पुन्नी मुन्नी खाओ मेरा बेटा तुम खा लो तो गाइस अब्बा भी आ चुके बस मैं जा ही रही थी नाश्ता लेकर आने के लिए मिली कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ तो तुत्ते में आ गए और आपा बना रही थी अब्बा को एड़ा पर नहीं बने वहीं से हंस
और सेम आवाज में तेरे से ही बात कर रही हूं। तुम्हारे पास नंबर है ना अब्बा? इसलिए तो मेरे पास नहीं था ना। पचका हो गया रे, आप आगा इतने प्यार से बात कर रही थी। मम्मी चलो तो मैं लेके आती हूँ। अच्छा तू सुन कैसा हंस रहा है। तो चले मैं जा रही थी, अम्मी 30 के अब्बे बोले और 40 की भजिए बोले ना। यस तो चलो मैं लेकर आती हूँ बाहर से। बाय बाय। अब्बे और भजिए ले ली हूँ, अब बस जा रही हूँ मैं घर पे। चलिए फटाफट से बस पहुँच ही गई हूँ, गली में आ चुकी हूँ। मम्मी कितना टाइम लगेगा अभी? और अभी तो गोश्त डालना है, फिर पानी डालूंगी। कुछ उम्र काट लू अभी के बाद में काटूंगी। काटते बैठू ना, काट लेती हूँ ना। कितने कांदे लू बताओ जरा, इसमें से लेती हूँ कांदा। टमाटर कितने कितने लू बता दो है ना, उस हिसाब से बता रही है। यहाँ पर सब बैठे हैं बातें करते हुए। मार तो चुका है, रबर को देखो मेरे कैसे कान में कर रही हूँ। महा उठ चुका है, मार सो गया था। क्या कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम हो गया महत के ब्लॉग में। नाना नानी के साथ महत के ब्लॉग में। अब भी सो के उठा है एकदम वो? मेरा काटने का आदत है, काट लूंगा। बाप रे बहुत जोर से काटते जाएगा। अरे 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 ऐसा खाने का गिराने का नहीं है ना। और हमने बन चुका खाना वाना सब। यस और उसमें वो कुचुंबर में एक नमक डालने का है। नमक नहीं डाली, सिर्फ काट के रखे हम लोगों ने। नमक डाल देना मधु। और यहाँ पे सब देखो भाई लोग सब लेटे हैं, यहाँ बैठे हैं। मम्मी अमुक गश्ती कर लेते हैं। मार पर सब नीचे बैठे हैं खाना खाते हुए, एंड मैं ऊपर बैठी हूँ महत को लेके, क्योंकि महत खाना खाने नहीं देगा, सब लोग को मस्ती करेगा। तो इसलिए मैं बोली तुम लोग पहले खा लो, आपा को बोली तू खा ले फिर मैं खा लूँगी। मधु और मधु को मैं लेके बैठी हूँ मैरी के घर पे। ए महत कहाँ पे आ गए तुम, कहाँ आ गए तुम? देख रहे बोले कहाँ आया हूँ मैं, को समझ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे सब बैठ चुके हैं ऑलमोस्ट खाना खाने के लिए। मम्मी ओ मम्मा देख रहा नहीं, ओ मम्मा पहचान रहा नहीं। ओ बाबा दीदी चॉकलेट दी, ओए अप्पी ने चॉकलेट दी, कितना खुश हो गया। देख चॉकलेट दी है, खा लो खा लो। तो लोग खाना खा लेंगे, फिर मैं और अम्मी भी खाना खा लेंगे। और पुलाव बनाया आज अम्मी ने, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं खाना खाने बैठूंगी ना, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। चलिए गाइस फाइनली हम लोगों का खाना पीना हो गया है, और खाना पीना होने के बाद में सफी गास्ती पर रेडी हो गए घर जाने के लिए। और यहाँ मुस्कान अभी खा रही है खाना, क्योंकि इसको लास्ट में खाना दिया, क्योंकि जगह बहुत छोटी थी तो इतने जन बैठ गए तो इसके लिए जगह नहीं था। तो बोला हम लोग बोले पहले हम लोग खा लेते उसके बाद में थोड़ा थोड़ा। अरे तुम्हें दिन में खाना नहीं खाया ना, भूख लगी थी मेरे को बहुत जोर से। माधु माधु अदरा महद 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 कार्टून में लगा हुआ है। अब वो कार्टून देख रहा है, कार्टून में बिजी हो गया है। हाँ प्लाव कैसा है? मस्त बनाई बोल रही हूँ। कौन सबनम? शायद गांव में पैदा हुई थी। गांव में मैं पैदा हुआ, अमीर भी गांव में पैदा हुआ, अमीर और तू गांव में पैदा हुआ है। और ये जहाँ तक भावरेकर नगर बाथरूम में बोलती है, अब ये बोलती है अम्मी रहते वॉशरूम तो गंदगी फेंकने के लिए, तो ये गंदगी भरा है। नाऊ नाई तक का मैं बाथरूम में बैठती हूँ कि जो भी है गंदगी घर में ना हो, ऐसा तो ये मेरे को गंदगी बोलता है। बोले बाथरूम में गंदगी फेंकने के लिए ये गंदगी सबसे भरा है। बोले बाथरूम में भी होते हैं। देखो आ गए हैं मेरे कमरे में
ওরে বাবা তুমি কি বলে আমি শুনি না, কি বলে কি বলবো কি বলবো না। মাধু মাধু যা রা মধু মধু নি যা রা যা রা হুম বোল রা না যা রা হুম যা রা হুম বোল রা টাটা বাই বাই চলো চলো আজ চলো আজ আজ গয়া টাটা বাই 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 মধু ভাই सो गाइस शफीक भाई लोग भी जा चुके हैं अपने घर पे एंड हम लोग भी घर पर आए। मैं तो गई नहीं थी, मैं झाड़ू वाड़ू मार के बिस्तर उस्तर लगा रही थी। सो लोग जा चुके घर पे एंड हमारा महाद इतना मस्ती कर रहा है कि पूछो मत। सो बस अभी हम लोग थक गए, बहुत इंजॉय करे एंड आपा तो अभी हमारे साथ रहेगी कुछ दिन, तो इंशाल्लाह आप लोग को और अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे। यस तो चले फिर गाइस इसी के साथ ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज, कल मिलेंगे वापिस एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल। लेट मी अप विद अ ब्राइट स्माइल ऑन नाउ, मी इन द डार्क सो वोंट गेट लॉस्ट नाउ, टू द मूनलाइट आई सी यू, आई रियल राइट नाउ।